चलिए आपका जो कोई भी इशू है वो बाद में लिखिए चैट बॉक्स में, ठीक है। सब लोगों ने होमवर्क सबमिट करना है, इट इज नेसेसरी। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप मैथमेटिक्स भूल जाओगे, सो इट इज नॉट यूजफुल फॉर यू, यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क, ओके, दैट इज मस्ट। चलिए ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बराबर, हमने प्रैक्टिस सेट 4.4 में से कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे और बाकी के जो एग्जाम्पल्स है मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे। बराबर, सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू विद द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो वॉट एग्जैक्टली इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, लेट्स सी। लेट अस कंसिडर द रेशियोज 4:12 एंड 12:36। दे आर इक्वल रेशियोज, ओके। इन द टू रेशियोज द सक्सेसर सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट रेशियो इज इक्वल टू द प्रीडिसर फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड रेशियो, हेंस 4:12:36 आर सेड टू बी इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए अभी अगर हम 4:12 की बात करें तो इसका अगर हम मतलब मिनिमाइज्ड फॉर्म फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, इट विल बी 1:3, करेक्ट। और अगर हम इस रेशियो का, दैट इज 12 एंड 36, इसका अगर मिनिमाइज फॉर्म फाइंड आउट करें तो इसका भी क्या आएगा, 1:3। दैट मीन्स दीज टू रेशियोज आर इक्वल, दीज आर इक्वल रेशियोज, ओके। बट इसका जो सेकेंड टर्म है, इस रेशियो का सेकेंड टर्म, पहले रेशियो का सेकेंड टर्म और सेकेंड रेशियो का फर्स्ट टर्म, दैट इज सेम और इक्वल, ओके। सो दिस काइंड ऑफ रेशियोज आर कॉल्ड द रेशियोज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ओके। सो वी कैन राइट दीज रेशियोज लाइक ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई सी, ओके। सो देन ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 12 एंड सी इज इक्वल टू 36, करेक्ट। सो इफ ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, देन वी कैन से दैट ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ओके। ये जो बी है इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो ए है ये सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, देन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बी सी वी गेट ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। सो इफ ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, देन ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। वेन ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन बी इज नोन एज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी और मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। हेंस ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कन्वे द सेम मीनिंग। अभी देखिए बी को यहाँ पे क्या कहा गया है, बी को कहा गया है ज्योमेट्रिक मीन। सो ज्योमेट्रिक मीन कौन सा होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी के जगह पे बी बाई ए इज इक्वल टू ए बाई सी लिखा हुआ है। सो विच विल बी द ज्योमेट्रिक मीन, क्वेश्चन समझ में आया। अगर ए बाई बी, यस, ए शुड बी द ज्योमेट्रिक मीन, मतलब कि जो टर्म दो बार रिपीट हो रही है, ठीक है, जब हम रेशियोज के फॉर्म में लिखते हैं, सो देन दैट टर्म इज कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिक मीन, ओके। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई वॉन्ट टू ओपन अनदर टैब, ओके, आई बी जस्ट बैक इन अ मिनट और फ्यू सेकेंड्स, या ओके। सो आई होप दिस स्लाइड इज विजिबल टू यू नाउ, ओके। सो हेंस ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कन्वे द सेम मीनिंग। अभी जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है फॉर द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, जो कि हमने अभी अभी सीखा। सेकंड वन इज ऑल्सो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, ए मल्टीप्लाइड बाई सी, वो भी हम लोग जानते हैं। देन वी कैन से दैट ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ओके। सो बी कैन बी कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, और बी इज अ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी, ओके। सो वी कैन जनरलाइज द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू डी बाई ई इज इक्वल टू ई बाई एफ, देन ए बी सी डी ई एफ आर सेड टू बी इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ओके, ठीक है। सो इसमें से कोई भी अगर आपको पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने को बोलेंगे तो आप एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू को ज्योमेट्रिक मीन कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं। मान लीजिए कि आपको ये जो दो टर्म्स दिए, लास्ट के दो टर्म्स, सो इसमें से अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया जाए तो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन विल बी ए, सॉरी ई, इट विल बी ई, करेक्ट। सो लाइकवाइज दिस, चलिए। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इफ एक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 25 एंड 4, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्स अगर ज्योमेट्रिक मीन है 25 और 4 का, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स।
सो ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी। सो ए यहाँ पे दिया गया है, सी भी दिया गया है, और हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि बी की वैल्यू एक्स है, सो बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी, दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई सी, करेक्ट। सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 100, एंड एक्स बिकम्स 10। ओके, एक्स बिकम्स 10, इज इट ओके? चलिए, सो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 है, तो एक्स इज इक्वल्स टू 10 ही क्यों, एक्स इज इक्वल्स टू -10 भी हो सकता है, बराबर। सो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, सो इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव, इसका नाम ही ज्योमेट्रिक मीन है ना, सो इट्स वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके चलो, सो इफ 4ab² कॉमा 8ab² एंड p आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सो क्या करना है यहाँ पे हमें, 4a² b जो है दैट इज नथिंग बट एक्चुअली आवर a, सो दिस टर्म इज b एंड p इज c। सो हम हमको लिख लेना है a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी के फॉर्म में, लिख दिया मैंने, देख लीजिए यहाँ पे ये a है, ये b है, ये b है और ये c है, ठीक है। सो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे p की वैल्यू क्या मिलेगी, P की वैल्यू मिलेगी 16b³, ठीक है। इतना कुछ हार्ड मुझे नहीं लगता है, इजंट इट, कोई हार्ड नहीं है। चलो, सो थर्ड एग्जांपल, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, 12 एंड 18 सच दैट द रिजल्टेंट नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, सो अभी हमें यहाँ पे तीन नंबर्स दिए गए हैं एंड दे आर नॉट इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, सो हमें क्या बोला गया है कि इन तीन नंबर में से कोई तो एक नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है जिससे कि ये जो तीनों नंबर है ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में आ जाए। तो अभी हमें वो नंबर पता नहीं है, ठीक है। अगर हम ट्रायल एंड एरर मेथड का ट्राई करें और अगर वो वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इट विल टेक वेरी वेरी मच टाइम, या फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी विल जस्ट कंसिडर दैट द वैल्यू इज एक्स, मतलब कि हमें एक्स सब्ट्रैक्ट करना है इन सारे नंबर से, सो दैट दीज नंबर्स विल बी इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, ठीक है। सो हमारे पुराने नंबर क्या थे, 7, 12 और 18 थे, जो कि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में नहीं है, बराबर। तो अगर हमें इन्हें कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम ईच नंबर, ठीक है। सो मैंने एक्स हर एक नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लिया, सो मेरे नए नंबर जो है, दोज आर 7 - x, 12 - x एंड 18 - x। नाउ दीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। अभी हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो नए नंबर फॉर्म हुए हैं, दीज नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया तो बाकी का एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। सब लोग आंसर दो। ओके मैत्रेया, बाकी लोग, द्विजेश, ठीक है, बाकी, ओके ओके, चलिए ठीक है। तो अभी हमें पता है, देखिए ये जो फर्स्ट नंबर है दैट इज ए, सेकंड नंबर इज बी, थर्ड वन इज सी। ओके, सो b² इज इक्वल्स टू ए सी हमें पता है। सो b² मिडल नंबर का हमने क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। 12 - x का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, चलिए ठीक है। सो b² इज इक्वल्स टू, दिस इज ए एंड दिस इज सी। ओके, सो एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर का हमने एक्सपांशन कर दिया यहाँ पे, दैट इज a² - 2ab +b², या फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बिकॉज यू आर इन अ 10th स्टैंडर्ड नाउ, करेक्ट। सिमिलरली इन दो ब्रैकेट्स को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, 7 * 18 कर लिया, उसके बाद में 7 * x, अगेन x * 18 एंड x * x। सो हमारे पास ये नया एक्सप्रेशन मिल गया। सो ये मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करना है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू। ओके, आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे पूछ सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उन चीजों पे। सो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्स की टर्म सेपरेट कर ली और जो हमारी न्यूमरल्स थे वो हमने साइड में कर लिए, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 18 मिल गई। तो मैंने अभी अभी कुछ समय पहले आपसे कहा था कि ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है। सो ऐसे कैसे हुआ, बिकॉज एक्स इज नॉट अ ज्योमेट्रिक मीन, एक्स इज नॉट अ ज्योमेट्रिक मीन, और इज इट, ये ज्योमेट्रिक मीन नहीं है। हम ये क्या है, ये वो वैल्यू है जो हमें हमारे दिए हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करनी है। सो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
तब जाके हमें जो नए नंबर्स मिलेंगे दोज विल बी द नंबर्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। सो 7 - x वाज आवर फर्स्ट नंबर, ठीक है। सो 7 - ऑफ 18 दैट इज 25। सो 25 जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर है। 12 - x दैट इज 12 - -18 इज इक्वल्स टू 30। 30 इज द सेकंड नंबर। 18 - x दैट इज 18 - -18 इज इक्वल्स टू 36। सो दीज आर द थ्री नंबर्स 25, 30 एंड 36 व्हिच आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। सो ये जो है वो नए नंबर हमें मिल गए। सो अभी हम चेक कर लेते हैं कि दिस इज आवर बी एंड दिस इज आवर ए, दिस इज आवर सी, ओके। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी आना चाहिए। सो 36 मल्टीप्लाइड बाय 25 अगर आप करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे, तो आपको जो है वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो नंबर है ये तीन नंबर दे आर इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ओके। सो दिस वाज आवर एग्जांपल। सो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई, -18 वैल्यू आई, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज के मेथड। के मेथड पे जाने से पहले किसी को कोई दिक्कत है पिछले एग्जांपल में? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन द प्रीवियस एग्जांपल? नो, ओके, गुड 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 गुड। चलो, सो के मेथड, व्हाट इज के मेथड, लेट अस सी। द के मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इक्वल रेशियोज, दैट इज द, लेट मी जस्ट मिनिमाइज और जूम आउट। बेस्ड ऑन इक्वल रेशियोज दैट इज इक्वल प्रोपोर्शन, इन दिस एक सिंपल मेथड एवरी इक्वल रेशियो इज एज्यूम टू बी के। तो हमें इस तरह के एग्जाम्पल्स में क्या करना होता है कि हमें जो इक्वल रेशियोज दिए गए होते हैं उनके इक्वल रेशियोज के लिए हमें एक वैल्यू पकड़नी पड़ती है, दैट इज के, ठीक है। सो इससे क्या हो जाता है कि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो वो काम किस तरह से आसान हो जाता है एग्जाम्पल सॉल्व करने का, वो हम लोग देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, ओके। सो व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी देन शो दैट 5a - 3c डिवाइडेड बाई 5b - 3d इज इक्वल्स टू 7a - 2c डिवाइडेड बाय 7b - 2d। अभी हमें ये दिया गया है, ठीक है, ये बताया गया है कि दिस कंडीशन इज ट्रू, और इस कंडीशन को हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। सो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो a बाय b इज इक्वल्स टू c बाय d जो है उसको हमने k मान लिया, ठीक है। सो a बाय b इज इक्वल्स टू अगर k है, या फिर c बाय d इज इक्वल्स टू अगर k है, तो हमने क्या किया, a इज इक्वल्स टू b k कर दिया। मतलब यह जो b था ये हमने k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो a इज इक्वल्स टू b k एंड c इज इक्वल्स टू d k। नाउ ऐसा ही क्यों कर दिया, ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि b इज इक्वल्स टू a बाय k, ठीक है। मतलब इस तरह से भी हम कर सकते थे, लेकिन हमने a इज इक्वल्स टू b k क्यों किया। तो यह हमें समझ में लेना है कि यहाँ पे न्यूमेरेटर में a और c के टर्म्स है, ठीक है, a और c के टर्म्स है, और डिनोमिनेटर में b और d के टर्म्स है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें ये जो न्यूमरेटर के टर्म्स है इनको भी b बाय d के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो दैट कि मे बी वो कैंसिल हो सके, ठीक है। सो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, a को b के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। किस तरह से कन्वर्ट कर लिया, a इज इक्वल्स टू b के बना दिया हमने, और c इज इक्वल्स टू d के बना दिया। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड c इन बोथ द साइड्स, नाउ सी LHS लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, 5a - 3c डिवाइडेड बाय 5b - 3d, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, a की जगह पे b के रख दिया, ठीक है, देख लीजिए आप, a की जगह पे b के रख दिया और c की जगह पे रख दिया d के, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हुआ, 5b k हुआ, e - 3d k हुआ। सो इन दोनों में से अगर k कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 5b बच जाएगा और 3d बच जाएगा, -3d बच जाएगा, ठीक है। सो सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या आएगा, k इन ब्रैकेट 5 - 3d, और ये जो नीचे का जो था डिनोमिनेटर का टर्म वो सेम ही है, उसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। सिर्फ न्यूमरेटर के टर्म में हमने a की जगह b के रख दिया और c की जगह d के रख दिया, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और बचेगा k। सो हमारा LHS क्या आया, LHS इज के। नाउ मूव टू द आर एच एस, जस्ट लेट मी जस्ट वाइप दिस आउट।
ओके सो आरएचएस, आरएचएस क्या है हमारा राइट हैंड साइड, 7a-2c/7b-2d। सो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, ए और सी की वैल्यू जो है रिप्लेस करनी है बी के और डी के से। ओके सो सिमिलरली के अगर बाहर आ जाएगा तो 7b-2d बचेगा, और ये जो है ये भी 7b-2d ही रहेगा। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और के के बन जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा एल एच एस भी के है और आर एच एस भी के है, सो दैट हमारा जो प्रूफ था, जो कि हमें प्रूव करना था कि ये दो इक्वल है, सो वो साबित हो गया या फिर इट इज प्रूव्ड। ओके सो आई डोंट थिंक इट इज दैट मच हार्ड। इसमें क्या है, इसमें आपका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको लगता है कि ए इज इक्वल्स टू बी के नहीं रखना चाहिए या फिर सी इज इक्वल्स टू डी के नहीं रखना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, आप बी और डी की जो वैल्यू है उसको ए और सी के फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लीजिए और फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका आंसर सेम ही आएगा, आपका आंसर प्रूव होगा, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स में ये फ्रीडम होती है हमें कि हम किसी भी तरह से जाए, किसी भी रास्ते से जाए, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट वायोलेटिंग द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कि ये जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज है या फिर जो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं वो अगर हम गलत नहीं करते हैं तो हमारा आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए और सी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपको ए और सी को ही सब्स्टिट्यूट करना है। यू कैन इवन सब्स्टिट्यूट द बी एंड डी ऑल्सो, ठीक है, वॉट एवर यू फील लाइक। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव इट। ओके नाउ चलो मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन शो दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी। तो अभी देख लीजिए यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है कि ए बी सी जो है वो कंटिन्यूअर प्रोपोर्शन में दिए गए हैं, ये जो हमें बताया गया है यहाँ पे। सो इसके मदद से हम ये लिख सकते हैं कि ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी है और दो इन दोनों रेशियोज की वैल्यू इक्वल्स टू के है। तो क्या करना है, हमने बी इज इक्वल्स टू सी के रख दिया, ए इज इक्वल्स टू बी के रख दिया, और फिर से देख लीजिए बी की वैल्यू क्या थी, सी के वैल्यू सी के थी वैल्यू, बी की वैल्यू जस्ट लेट मी जस्ट जूम इन, बी की वैल्यू सी के है और ए की वैल्यू बी के है, मतलब ए की वैल्यू में भी बी आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया, बी की जो ये वैल्यू थी हमने यहाँ पे पुट कर दी, सो ए की जो वैल्यू है वो क्या बन गई, ए की वैल्यू बन गई सी के स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया आपको, ए की वैल्यू हमने सी के स्क्वायर कैसे की, ए की वैल्यू हमें बी के नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है, इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे आपको इस साइड में ए और बी दिख रहे हैं और इस साइड में बी और सी दिख रहे हैं, ठीक है। सो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पूरा इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन को हम आइदर ए के फॉर्म में ला सकते हैं या फिर बी के फॉर्म में ला सकते हैं या फिर सी के फॉर्म में हम ला सकते हैं, ठीक है। सो हमें वही करना है। आपको एक और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज बताना चाहूंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो रहे हैं हमारे टॉपिक से, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पार्ट है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपका समय ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। सो बताइए इसकी वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है बताइए, 1। क्यों, एक्स और वाई की वैल्यू 1 कैसे हो रहेगी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, इट इज नॉट डिफाइंड इन दिस। मतलब कि देख लीजिए एक्स की वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूं, वाई की वैल्यू 2 रखता हूं, तो भी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। मैं x की वैल्यू 5 रखता हूँ, y की वैल्यू भी 5 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, फिर भी 10 हो रहा है। यहाँ पे मैं x की वैल्यू 7 रख दूँ, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 रख जाएगी, तो और फिर भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हमें कोई भी एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देर आर टू वेरिएबल्स That is x and y। यहाँ पे इक्वेशंस कितने हैं, इक्वेशंस कितने हैं, एक। तो अगर यह डिफरेंस रहेगा तो आप कभी भी
किसी भी वेरिएबल की जो है फिक्स वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे आपको दे दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरा आपको एग्जांपल दे दिया कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए कि 4 है। ठीक है, सो अभी फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, अभी फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। एक्स की वैल्यू रहेगी 7 और वाई की वैल्यू रहेगी 3। इन दो वैल्यूज के अलावा मुझे बताइए कि कौन सा वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। कोई भी वैल्यू के लिए नहीं होगा, एक्स इज इक्वल टू 7 ही रहेगा और वाई इज इक्वल टू 3 ही रहेगा, तभी जाके ये दो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होंगे। समझ में आ रहा है आपको? किस किस को समझ में आया? एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 3 है इन दो एग्जांपल्स में। चलो ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं? 2 है। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 2 है। ठीक है, सो आपको एक बात समझ के लेनी है, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर रहेगा तब जाके हम उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 15 है। ठीक है, अगर मुझे ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे कितने और इक्वेशंस चाहिए? 3 मोर इक्वेशंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 4 है। ठीक है, सो नंबर ऑफ इक्वेशन शुड बी नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अभी सिमिलरली मैंने ये आपको सब क्यों बताया, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इन इस पूरे अगर एग्जांपल की हम बात करें तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर देयर? देयर आर 3 वेरिएबल्स, ए बी एंड सी। तो अभी हमारे पास बाकी दो इक्वेशंस तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन हमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी मदद से देख लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन, यहाँ पे दो इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं, ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी, ये भी तो दिया गया है बराबर ना। सो हम क्या कर सकते हैं कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये एक ही इक्वेशन हमें सॉल्व करना है ना, तो इसे हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कौन सी वेरिएबल में इसे कन्वर्ट कर रहा हूं? मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ सी के वेरिएबल में, मतलब मैं ए को और बी को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो अभी मैंने बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या फाइंड आउट की? बी की वैल्यू फाइंड आउट की सी के, और ए की वैल्यू फाइंड आउट की ए सी सॉरी सी के स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, एल एच एस इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बाई बी। सो ए की वैल्यू रख दी मैंने सी के स्क्वायर, के इज अ कॉन्स्टेंट, ओके, के वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। सो ए की वैल्यू क्या रख दी? सी के स्क्वायर रख दी। बी की वैल्यू क्या रख दी? सी के रख दी। अभी नीचे भी देख लो, ए की वैल्यू सी के स्क्वायर और बी की वैल्यू सी के। अभी ये जो इक्वेशन है वो कितने वेरिएबल में बना? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? आप देख लीजिए मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे कितने वेरिएबल आपको दिख रहे हैं इस इन दिस इक्वेशन? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? देर इज ओनली वन वेरिएबल, दैट इज सी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी दिख रहा है सिर्फ। सो दिस दिस हैज बीन नाउ कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, सो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में इसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों की अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें ऐसा कुछ तो टर्म मिल जाएगा, और इस टर्म को अगर हम काट दे तो यहाँ पे के क्यूब है, यहाँ पे के स्क्वायर है, सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो बचेगा के प्लस वन रेस टू टू और के प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, दिस इज आवर एल एच एस और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सिमिलरली आर एच एस भी, हम क्या करेंगे, आर एच एस में हम सिर्फ बी की वैल्यू पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू हमने कन्वर्ट कर ली है इन द फॉर्म ऑफ सी, और सी की वैल्यू हमें कुछ पुट अप करने की जरूरत नहीं क्योंकि सी तो ऑलरेडी है ना वहां पे। सो
अगर हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते जाए तो फाइनली हमें वही मिलेगा जो हमें LHS में मिला था। सो दैट वी कैन कंक्लूड LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड अवर गिवन इक्वेशन इज ट्रू और इट इज सेटिस्फाइड। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल्स। समझ में आया अभी किस तरह से करना है आपको? ओके चलो, सो ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन शो दैट ए बाय सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर। सो ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमें दिया गया है। सो हम यहाँ इससे ये लिख सकते हैं कि ए बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी। सो ए बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी इज इक्वल्स टू के, देयर फॉर बी इज इक्वल्स टू सी के एंड ए इज इक्वल्स टू सी के स्क्वेयर। यहाँ पे फिर से हमने क्या कर लिया, क्या कर लिया कि हमने बी और ए को सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमने एक वेरिएबल में इस एग्जाम्पल को भी कन्वर्ट कर दिया। सो LHS में हम पहले, दिस इज LHS ए बाय सी, LHS क्या रख देंगे हम, ए बाय सी रख देंगे, ए की वैल्यू है सी के स्क्वेयर, सी से कट जाएगा बचेगा के स्क्वेयर। नाउ कम टू द RHS, RHS में भी हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे सी के स्क्वेयर और बी की वैल्यू रखेंगे सी के। सो ये जो कंप्लीट इक्वेशन है देख लीजिए, यहाँ पे आपको आपको सिर्फ सी दिखाई देगा, ना ए दिखाई देगा ना बी दिखाई देगा। सो दिस हैज बीन नाउ कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, हेयर के इज अ कॉन्स्टेंट, प्लीज रिमेम्बर दैट। ओके, सो इफ यू कीप सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल देन ऑल दिस टर्म्स विल गेट कैंसल्ड एंड ओनली रिमेन के स्क्वायर, सो दैट वी कैन कंक्लूड LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड द गिवन इक्वेशन इज ट्रू। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल। सो द की हेयर इज यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन टू सिंगल वेरिएबल। ओके, सो दैट्स वाई दिस वे यू विल फाइंड इट इजी टू सॉल्व दैट एग्जाम्पल। ओके चलो, नाउ एग्जाम्पल फोर्थ वन, दिस माइट बी द लास्ट एग्जाम्पल आई थिंक, एंड देन वी विल बी मूविंग टू द प्रैक्टिस सेट 4.5। ओके चलो, सो व्हाट इज द एग्जांपल, फाइव नंबर्स आर इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 80, फाइंड दीज नंबर्स। हमें क्या बताया गया है, पांच नंबर है कोई भी इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सो द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 80, फाइंड दीज नंबर्स। तो लेट द नंबर्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बी ए ए बाय सॉरी ए के ए के स्क्वेयर ए के क्यूब एंड ए के फोर। ठीक है, तो किस तरह से हमने इसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो नंबर रहते हैं हम इस तरह से इन्हें लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये जो यहाँ पे पांच नंबर हमने लिए हैं, ए के स्क्वेयर ए के क्यूब ए के रेस टू फोर, ये क्यों लिया हमने, ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, सो दीज आर द फाइव नंबर्स। सो फर्स्ट नंबर गिवन इज 5 एंड द फिफ्थ नंबर और द लास्ट नंबर दैट इज गिवन इज ए के रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 80। सो ए की वैल्यू तो हमें पता है 5 है, सो के रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 60, 80 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज के रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 16, के इज इक्वल्स टू 2 दैट बिकॉज 2 रेस टू 4 इज 16 ना। सो द फर्स्ट नंबर वी नो दैट 5, सेकेंड नंबर ए के दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10, थर्ड नंबर ए के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 20, ए के क्यूब इज इक्वल्स टू के की वैल्यू रख दो 8 सॉरी के की वैल्यू रख दो 2, सो के क्यूब बन जाएगा 8, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज 40, एंड दिस इज हाउ वी फाइंड ऑल द 5 नंबर्स। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द एग्जांपल्स फॉर द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, सो आई विल गिव यू द एग्जांपल दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20 सॉरी 12 16 21 सो दैट द रिजल्टेंट नंबर आर इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया है, आपको अभी सॉल्व करना है, नोटबुक पे सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए जल्दी से, आपके पास समय है 1 मिनट का। चलिए
चलिए सब लोग ट्राई कीजिए। हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या हुआ आंसर नहीं मिल रहा है? यस और नो? चलिए कुछ रिप्लाई दीजिए। चलिए कितना परसेंट सॉल्व किया आपने बताइए? आंसर के नजदीक पहुंच गए? 90% सॉल्व हो गया, 80%, या फिर कुछ भी नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा है? प्लीज गिव द रिस्पॉन्स सो दैट आई विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल फॉर यू। ओके 73% कंप्लीटेड। चलिए चलिए ठीक है। ट्राई करो बाकी लोग, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए मैं सॉल्व करूं, बहुत समय हो गया, 4 मिनट हो गए। शैल आई सॉल्व इट, यस और नो? ओके बाकी लोग चलो ठीक है, देख लीजिए दिए हुए नंबर क्या है हमें। 12, 16, 21 नंबर्स करेक्ट है, चेक कर लो एक बार बराबर। सो दीज आर इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, है क्या ये? नहीं है।
इसमें से कोई तो हमें एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाके ये बनेंगे इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो जो नंबर है जो कि मैं सब्ट्रैक्ट करना कर रहा हूँ, तो वो है एक्स। सो 12 माइनस एक्स इज द फर्स्ट नंबर, 16 माइनस एक्स इज द सेकेंड नंबर, एंड 21 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू द थर्ड नंबर, ठीक है। सो ये क्या हुआ, दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी, एंड दिस इज आवर सी। सो हमें पता है बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए सी होता है, बराबर। सो बी स्क्वेयर कर दीजिए, 16 माइनस एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी। ये क्या है, 12 माइनस एक्स एंड 21 माइनस एक्स, बराबर। यहां तक समझ में आया सबको, चलो ठीक है, देख लो अभी आगे। सो 16 का स्क्वायर क्या होगा, 144। 16 का स्क्वायर 144 है क्या? ओके मैत्रेया, नहीं है। 16 का स्क्वायर क्या है, टू फिफ्टी सिक्स है 16 का स्क्वायर, या फिर नहीं? चलो ठीक है, ए स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, दैट इज 32x, करेक्ट, प्लस एक्स स्क्वेयर। यहां तक ठीक है? ठीक है, चलो लिख लो सब लोग मेरे साथ में, 12 मल्टीप्लाइड बाय 21 कितना हुआ, 261 ना, ओ सॉरी सॉरी 252, माय बैड माय बैड, 252, 252। ओके नाउ माइनस 12x माइनस 21x कितना बनेगा, 33x बनेगा, बराबर है ना। ओके और x मल्टीप्लाइड बाय x क्या होगा, एक्स स्क्वेयर होगा, बराबर। सो ये एक्स चला गया, ये एक्स चला गया, ठीक है। सो यहाँ पे 33x है, यहाँ पे 32x है, ये अगर यहां से यहां चला जाए तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स रहेगा, और यहां पे क्या बनेगा, 256 में से 252 माइनस हुआ, 4 बचेगा। सो एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू -4 आई, बराबर। एक्स की वैल्यू अगर -4 आती है, सो 12 माइनस -4 कितना हुआ, 12 माइनस -4 कितना हुआ, 16, 16 माइनस -4 कितना हुआ, 21 माइनस -4, ठीक है। सो दीज नंबर्स विल बी इन अ कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। एक बार मुझे चेक कर लेने दो बुक में कि हमने सही सॉल्व किया है, चेक कर लो आप लोग भी चेक कर लो एक बार। करेक्ट, प्रैक्टिस सेट 4.5 ना, लेट मी जस्ट वेरीफाई, विच प्रैक्टिस इट इज दिस, 4.5 या एक्स, सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू 4, हमने यहां पे कुछ तो गलती कर दी, एक्स इज इक्वल्स टू 4 है, एक्स इज इक्वल्स टू -4 नहीं है, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 4 है, चलेगा। सो आप ये सुधार लीजिए, गलती क्या की है हमने, एक्स इज इक्वल्स टू -4 जो लिखा है, -4 नहीं है, दैट इज +4, एक्स को क्या करेंगे आप, +4 कर देंगे, तो आपका सारा आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए सो वो गलती सुधार लीजिए।
उसके बाद में सेकेंड वन, इफ 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें क्या करना है आपको, दिस 28 माइनस एक्स जो है दैट इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ गिवन टू नंबर, सो जस्ट स्क्वेयर दैट नंबर एंड मल्टीप्लाई दिस टू नंबर एंड इन अ सिमिलर वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एज वी फाउंड आउट इन द लास्ट एग्जाम्पल। ओके, सो इस तरह से आप इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड की, इतना कुछ हार्ड नहीं है, सिमिलर एग्जांपल है, सो इसके लिए मैं ले नहीं रहा हूँ। थ्री नंबर्स आर इन अ कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन हुज मीन प्रोपोर्शन इज 12 एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स इज 26, फाइंड दीज नंबर्स। सो ये इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सो लेट मी जस्ट ओपन द न्यू टैब। ओके, हियर वी गो, आई जस्ट ओपन द न्यू टैब एंड आई विल राइट द एग्जाम्पल फर्स्ट। ओके, सो एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि 12 जो है, 12 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द थ्री नंबर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट थ्री नंबर दैट इज ए बी एंड सी। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है आई नो, बट प्लीज एडजस्ट फॉर अ सेकेंड। बी इज इक्वल्स टू 12, अभी आपको स्क्रीन दिखाई देगी बराबर, यही हमको, वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके, इट इज ऑडिबल। ओके ओके फाइन, देयर माइट बी अ प्रॉब्लम इन धीरज नेटवर्क, सो विल चेक इट। बाकी लोगों का आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है धीरज? धीरज नाउ माय वॉइस इज क्लियर? ठीक है चलो। सो ये तीन नंबर है, ए बी सी है, और हमारे पास b इज इक्वल्स टू 12 दिया गया है। यहां तक सब कुछ समझ में आया कि b इज इक्वल्स टू 12 क्यों दिया है? बिकॉज दैट इज अ मीन, बिकॉज दैट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ना, सो b इज इक्वल्स टू 12। और हमें क्या बताया गया है एग्जाम्पल में, एक बार फिर से देख लीजिए, क्या बताया गया है कि एंड द सम ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स इज 26। तो अभी बचे कौन से नंबर्स, ए बचा और बी बचा, ए बचा और सी बचा, ठीक है। तो क्या है, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 26, जस्ट 26, बराबर। यहां तक आपको समझ में आ गया है? सो अभी मुझे बताओ, ए मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू कितनी रहेगी, ए मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू कितनी रहेगी? ए मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू कितनी रहेगी, देख लो, समझ लो। यहां पे अगर हमें बी की वैल्यू 12 दी गई है, नो इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड ना, सी बी इज इक्वल टू 12 है और बी इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ दिस थ्री थ्री नंबर, सो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी ना, सो बी इज 12, देन ए सी की वैल्यू कितनी रहेगी, 144। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, इज देयर एनी कंफ्यूजन, लेट मी नो। ओके, नहीं है कंफ्यूजन, चलो चलो ठीक है। सो अभी देखो हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्वेशंस आर देयर, टू, विच वन, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर देयर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ऑल्सो टू, ए एंड सी, सो कैन वी फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए एंड सी, कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, यस वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, हाउ लेट अस सी। मतलब सपोज ए सी इज इक्वल्स टू 144 है, सो ए इज इक्वल्स टू मान लो 144 डिवाइडेड बाय क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सो अभी इस सी की जो वैल्यू है, इस सी की वैल्यू हमें पुटअप करनी है इस इक्वेशन में, ठीक है। सो देख लो, ए प्लस 144 डिवाइड बाय सी इज इक्वल्स टू 26, ठीक है, ठीक है। गलत है, गलत है, यहां पे मुझे सी की वैल्यू, मुझे ए की वैल्यू प्लेस करनी है, मैंने ए इज इक्वल्स टू 144 बाय सी निकाला है, सो इस ए की जगह पे क्या रहेगा, सी रहेगा, मैंने ए की वैल्यू रिप्लेस की है, इस ए की जगह पे मैंने ये रख दिया, अभी ठीक है, बताइए।
अभी मैंने जो लिखा सी प्लस 144 इज इक्वल टू 36, करेक्ट 26 करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है। चलो अभी क्या करते हैं, हम इस पूरे इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर प्लस प्लस 144 इज इक्वल टू 26, ठीक है। चलो अभी 26 सी आ जाएगा यहां पे भी, बराबर ना, सही जा रहे ना, मैं सही जा रहा हूं ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके चलो ठीक है। सी की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 26 सी प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अभी हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसकी की एडिशन है वो रहेगी 26 और मल्टीप्लीकेशन रहेगी 144। ऐसे दो नंबर्स है, सी माइनस 18 सी माइनस 8 सी प्लस 144 इज इक्वल टू 0। देख लो 18 और 8 की जो मल्टीप्लीकेशन है वो आ जाएगी 144 और उनकी एडिशन आ जाएगी 26। ओके मैं इस 8 को यहां पे ले लेता हूं और इस 18 को यहां पे ले लेता हूं, तो इसमें से मैं सी बाहर निकालूंगा तो क्या बच जाएगा, सी माइनस 8 बच जाएगा, ठीक है। और इस 18 और 44 में से भी अगर मैं 18 बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है, 18 बाहर अगर मैं निकाल लेता हूं तो सी माइनस 8 ही बचेगा, ठीक है, हो गया। सी की वैल्यू क्या आई, सी की वैल्यू आई सी इज इक्वल्स टू आइदर 18 और 8। सी की वैल्यू क्या आई, आइदर 18 और 8। ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी आइदर 8 और 18, ठीक है। मतलब इन दोनों की एडिशन अगर करोगे तो कितनी बनेगी, 26। इन दोनों की एडिशन करोगे तो कितनी बनेगी, 26। मतलब ए और सी की एडिशन 26 है और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज 144, विच इज द स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। समझ में आया किस तरह से एग्जांपल सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व किया है ना। इस तरह से मैथमेटिक्स में जब तक हम सारे स्टेप्स सही कर रहे हैं तब तक हमारा आंसर गलत होता ही नहीं है, ठीक है। सो नाउ हाउ टू सॉल्व दीज टू एग्जाम्पल्स, आई विल जस्ट गिव यू द हिंट एंड देन यू कैन इजिली सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स, दीज आर नॉट हार्ड एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक ब्रैकेट में दिया गया है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर शो दैट ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है पता है तुम्हें, यहाँ पे हमें दिखा देना है कि सिर्फ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए सी है तो वी कैन से दिस ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये किस तरह से करेंगे, आप इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दो ब्रैकेट्स को आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो कुछ भी हो सकता है, जो कट सकता है, माइनस हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, प्लस हो सकता है, सब कुछ कर लीजिए। एट द एंड आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। सिमिलरली फॉर दिस एग्जाम्पल ऑल्सो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको कोई ना कोई ऐसा हिंट मिलेगा जिससे कि आप यहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लेना है, लाना है। यू हैव टू कम टू दिस पार्ट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अगर आपने दिखा दिया तो मान लीजिए कि आपने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी सी आर इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यहाँ पे फाइंड मीन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कंसिडर दिस एज अ ए, कंसिडर दिस एज अ सी। इन दोनों की क्या कीजिए, आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए, उसका फिर रूट निकालिए एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बी विच इज नथिंग बट द मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। इस तरह से आपने
ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं घर पे और करने ही है ट्राई। ओके, आपको होमवर्क सबमिट करना ही है। मैं इसलिए आपको फोर्स कर रहा हूँ, आप कुछ बातें समझ के लीजिए कि जब तक आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको, आप कितने भी अच्छे हो मैथमेटिक्स में, आपको एग्जाम तक ये सब चीजें याद नहीं रहेंगी। ये चीजें कब याद रहेंगी आपको एग्जाम तक? जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है? सो इट इज मस्ट फॉर यू टू कीप इन टच विथ और बी इन टच विथ योर मैथमेटिक्स बुक्स। आपको थोड़ा सा साइंस का अगर आप 8 दिन नहीं पढ़ेंगे तो भी आपको बाद में कवर हो जाएगा, एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स इज अ बिग सब्जेक्ट एंड इट कैन नॉट बी कवर्ड इन अ नाइट और टू बिफोर एग्जाम। ओके, सो यू हैव टू बी इन टच विद द मैथमेटिक्स ऑल अलोंग द सेमेस्टर। मतलब आपको पूरे सेमेस्टर में यहाँ पे मैथमेटिक्स के टच में रहना ही पड़ेगा, इसलिए मैं होमवर्क देता हूँ। चलिए मान लीजिए कि मैंने बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया, बहुत बड़ा होमवर्क हो गया, लेकिन इसका बर्डन नहीं लेना है आपने। क्या करना है, मैंने अगर 10 क्वेश्चन दिए हैं तो आप 6 सॉल्व कर लो, 8 सॉल्व कर लो, अगर आपसे होता है तो 10 सॉल्व कर लो, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक भी सॉल्व नहीं कर रहे हो, देन यू आर डूइंग हार्म टू यू। मतलब इसमें आपका नुकसान है, आपका 1 घंटा वेस्ट गया जो कि मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि आपको ये याद रहने नहीं वाला है। सो इसके लिए प्रैक्टिस इज नेसेसरी एंड दैट्स व्हाई वी कीप होमवर्क देयर। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रेडिंग की सिस्टम इसलिए बंद कर दी कि मतलब ग्रेडिंग इज लाइक थोड़ा सा किचकिच था उसमें, सो वी हैव जस्ट शट द ग्रेडिंग सिस्टम एंड वी आर चेकिंग योर होमवर्क। मतलब हम देखते हैं कि कौन होमवर्क सबमिट कर रहा है, किसने किस तरह से लिखा है। रिप्लाई नहीं दे पाते वो अलग बात है, थोड़ा सा बिजी रहने की वजह से रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। ओके, बट वी चेक योर होमवर्क। सो कोई भी लीव नहीं करेगा, ऋषि ने लीव कर दिया, मैं जब तक ना कहूँ तब तक कोई भी लीव नहीं करेगा। ओके सर, आई हैव कंफ्यूजन इन प्रैक्टिस एट 4.4 क्वेश्चन 3। यस, आई विल श्योरली एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इफ पॉसिबल इन दिस क्लास और इन द नेक्स्ट क्लास। लेट मी सी विच क्वेश्चन इज इट, इफ इट इज अ प्रूफ क्वेश्चन ना। देखिए, अगर कुछ 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 क्वेश्चन कैसे रहते हैं, उनमें प्रूफ करना पड़ता है। सो मुझे भी थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे घर पे जाके वो देखना पड़ता है कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, देन आई कैन सॉल्व। सो आर यू टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, इफ वाई प्लस जेड डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स डिवाइड बाई बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और नो नो सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, 5th वन ना। ओके 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 सॉरी, दिस वन। ओके ओके, दिस सीम्स टू बी क्वाइट बिग क्वेश्चन एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर दिस क्वेश्चन इन 8 मिनट। सो आई विल श्योरली टेक दिस क्वेश्चन, इट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो जस्ट रिमाइंड मी दैट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो चलो सब लोग होमवर्क सबमिट करो, मैं अभी होमवर्क आपको दे रहा हूँ 4.5। इसी के साथ में आपका आई थिंक 5th चैप्टर भी खत्म। इज इट 5th और 4th? आई थिंक इट इज 4th चैप्टर, या इट इज द फोर्थ चैप्टर। एंड आपकी जो टेस्ट रहेगी वो भी जल्द ही रहेगी इस प्रॉब्लम सेट 4 पे, मोस्टली यहाँ पे ज्यादा फोकस रहेगा इस प्रॉब्लम सेट पे। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम सेट में भी जितने क्वेश्चन है आप सॉल्व करके रखो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, सो यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन इन द प्राइवेट कमेंट सेक्शन इन द गूगल क्लासरूम। ठीक है, मैं वहां पे चेक करता रहता हूँ आपके होमवर्क। सो आप अगर वहां पे कुछ क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो वो मैं भी देख लूंगा। ठीक है, जैसे कि मैत्रेय ने एंड प्रॉब्लम सेट 4 और नॉट प्रैक्टिस सेट, या देर विल बी सम क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट एज वेल, बट द फोकस विल बी ऑन प्रॉब्लम सेट। ओके, सो देखो मैत्रेय, तुमने अभी आज क्वेश्चन मुझे पूछा, दैट इज वेरी गुड, नो 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 डाउट, नो नो प्रॉब्लम अबाउट इट। बट इफ यू पोस्ट दैट क्वेश्चन इन द प्राइवेट चैट, लेट मी शो यू हियर, सी दिस, यहाँ पे तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो पोस्ट कर सकते हो, और उसका मैं सॉरी, तो मैं उसका जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करूंगा और आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। सो कीप पोस्टिंग योर क्वेश्चंस डाउट्स ऑन द गूगल क्लासरूम, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल द क्वेश्चंस डाउट्स। ओके, सो या इट इज नेसेसरी फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम सेट एंड प्रैक्टिस सेट, द लास्ट प्रैक्टिस सेट दैट इज 4.5 एंड द प्रॉब्लम सेट 4। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फर्स्ट टेक दैट एग्जाम्पल एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द 5th चैप्टर। ओके, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सो चलो, तो पढ़ाई करते रहो, एंड इफ यू हैव डाउट यू कैन पोस्ट इन द गूगल क्लासरूम। बाय बाय एवरीवन, दैट्स इट, बाय बाय, चलो। चलो ऋषि मैत्रेय, लीव द क्लास।
ऋषि या